हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। गाइस इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को स्मार्ट गागा का बेस्ट वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको आप लोग फ्री फायर की न्यू अपडेट OB36 के बाद इजीली अपने पीसी पे यूज कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो स्मार्ट गागा वर्जन प्रोवाइड करने वाला हूं, इसी स्मार्ट गागा वर्जन को मैं पर्सनली भी यूज करता हूं फ्री फायर को प्ले करने के लिए। एंड गाइस आप लोगों को स्मार्ट गागा के अदर वर्जन में जो इशू देखने को मिलते हैं, लाइक स्टक इशू, ब्लैक स्क्रीन इशू, ब्लू स्क्रीन इशू, स्टाइलिश नेम्स वाला इशू, और उसके अलावा जो रिसोर्सेज डाउनलोड नहीं हो रहे होते, सो गाइस ये जितनी भी प्रॉब्लम्स एंड जितने भी ये एरर्स हैं, ये आप लोगों को इस वाले स्मार्ट गागा वर्जन में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड गाइस साथ में आप लोग इस वाले स्मार्ट गागा वर्जन को यूज करते हुए अपने फ्री फायर की फेसबुक या फिर गूगल वाली आईडी को लॉगिन कर सकेंगे। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि स्मार्ट गागा की इस वाली फाइल का लिंक मैं आप लोगों को पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सिंपली आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्योंकि ये एक zip फाइल है, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहां पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करने के बाद हम इसका ये जो फोल्डर है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस आप लोग सिंपली इस फोल्डर को ओपन करेंगे। इसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट टाइटन वाला फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करने पे गाइस आप लोगों को जो सेकंड नंबर पे इंजन वाला फोल्डर होगा इसको सिंपली ओपन करना होगा। इंजन वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास स्मार्ट गागा की लॉन्चर फाइल मिल जाएगी। आप लोग सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंड टू पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे। सो गाइस इस तरह से आप लोगों के पास होम स्क्रीन पे स्मार्ट गागा का एक शॉर्टकट बन जाएगा। अब हम लोग सिंपली स्मार्ट गागा को ओपन करेंगे। जैसे गाइस आप लोग स्मार्ट गागा केस वाले वर्जन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने में मिलेगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों को रोडा एप स्टोर एंड फेसबुक प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। रोडा एप स्टोर को यूज करते हुए आप लोग इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पर गाइस अगर आप लोगों के पास फ्री फायर की एपीके फाइल पड़ी हो तो सिंपली आप लोग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इस वाले स्मार्ट गागा वर्जन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस अभी मैं इसमें फ्री फायर की OB35 वाली एपीके इंस्टॉल करने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही गाइस मेंटेनेंस खत्म होगी और फ्री फायर की न्यू अपडेट OB36 आ जाएगी तो उसकी जो लेटेस्ट एपीके का लिंक होगा वो भी इसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पे गाइस हमारे पास फ्री फायर इंस्टॉल हो चुकी है। फ्री फायर को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट गूगल पे बना हो तो सिंपली आप लोग सेटिंग्स को ओपन करेंगे। यहाँ पे गाइस आप लोग अगर स्क्रॉल डाउन करते हो नीचे आएंगे तो एड अकाउंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करने पे गाइस आप लोगों को यहाँ पे गूगल का अकाउंट एड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप लोग इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना गूगल का अकाउंट एड कर सकते हैं। जब आप लोग फ्री फायर में एंटर होंगे तो वहाँ पे आप लोग इस वाले गूगल अकाउंट को यूज करते हुए इजिली फ्री फायर को एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा गाइस अगर आप लोगों का फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक पे बना हो तो सिंपली आप लोग फेसबुक एपीके को ओपन करेंगे और यहाँ पे आप लोगों का फेसबुक का जो भी ईमेल एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे पुट करने के बाद सिंपली आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। गाइस फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करने के बाद सिंपली हम लोग फेसबुक ऐप को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे गाइस फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। सो गाइस जब तक फ्री फायर ओपन होती है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। यहाँ पे गाइस फ्री फायर विदाउट एनी एरर ओपन हो चुकी है। ग्रीना लोगो स्ट्रक वाला जो इशू होता है वो भी आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फ्री फायर ओपन करने के बाद अगर आप लोग मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गूगल एंड वीके को यूज करते हुए आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को यूज करते हुए फ्री फायर में लॉगिन हो सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस फ्री फायर को ओपन करने के बाद आप लोग अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे गाइस इस वाले वर्जन में स्टाइलिश नेम्स की बात की जाए तो जितने भी स्टाइलिश नेम्स एंड स्टाइलिश कैरेक्टर्स होते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर गाइस इस स्मार्ट गागा वर्जन में फ्री फायर की मैपिंग के बारे में बात करें वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं कस्टम एचओडी को ओपन करने के बाद स्मार्ट गागा की मैपिंग को ओपन करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे की मैपिंग को जैसे भी अपने लिहाज से कस्टमाइज करना चाहें आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो गाइस जैसे ही OB36 की मेंटेनेंस खत्म होगी और जैसे ही OB36 अपडेट फुली तौर पे आ जाएगी तो इसकी जो एपीके का लिंक होगा अपडेटेड एपीके वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।